अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक आपको खुशो खुर्रम शादोबाद हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों पे अपनी रहमत तो बरकतों के दरवाजे हमेशा खुले रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार शिमला मिर्च के हलवे की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, तो चलिए आए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद जो लाल शिमला मिर्च लेनी थी इनको धो के और इस तरह मैंने रफली कट करके रखा हुआ है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें किशमिश पिस्ता बादाम मैंने लिया है। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है। 1/3 कप मैंने लिया है चीनी का। तो चीनी जो है आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं अपने हलवे में। और यहाँ पे मेरे पास 1 कप जो है ये खोया है, और साथ में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप एंड 1/4 कप जो है मेरे पास ये दूध का है। ये रेगुलर रूम टेम्परेचर का दूध है मेरे पास, और इसको अब मैं आगे कैसे बनाऊँगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है एक बाउल पतीले में मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया है। अब गर्म पानी में हम शिमला मिर्च डाल के एक उबाल इसको उबाल लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं गरम पानी में जो है मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। इसको बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, बस इसमें जब अच्छा सा एक उबाल आ जाए तो उतना ही हमने इसको उबालना है, और उसके बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी और फिर हम इसको जो है चॉप कर लेंगे। तो इसको बहुत फाइन पेस्ट बना के चॉप नहीं करना, इसको दरदरा सा हम चॉप करेंगे। तो इसमें आ जाता है जब एक उबाल, तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें अब उबाल आने लग गया है, तो बस अब इसको जो है मैं स्ट्रेन करूँगी और उसके बाद मैं इसको चॉपर में चॉप करके और फिर मैं आप लोगों को जो है आगे बताऊँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरह दरदरा सा पीस लिया है। तो अब जो है हमने तेल गरम होने रख दिया है, तो इसको हम शामिल करते हैं तेल में और फिर मैं आपको आगे दिखा। तेल हो चुका है गरम, और इसमें जो है अब हम अपनी जो चॉप की हुई शिमला मिर्च को शामिल करके और इसको मैं अच्छा सा भूनती हूँ तब तक कि हमारा पानी जो है खुश्क हो जाए, और फिर मैं आपको आगे दिखा। आप देख सकते हैं बस आपने इसको हिलाते हुए अच्छा सा भूनना है कि शिमला मिर्च का तमाम पानी जो है ये ड्राई हो जाए। जब इसका पानी ड्राई होता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च का पानी जो है अच्छे से ड्राई हो गया है, तो बस इसमें अब हम शामिल करते हैं दूध को। तो जो है इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ दूध, और दूध के साथ भी इसको पकाते हैं उस वक्त तक कि दूध भी हमारा शिमला मिर्च के साथ ड्राई हो जाए, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि दूध के साथ भी इसको जो है चम्मच हिलाते हुए आपने अच्छा सा इस तरीके से पकाना है। तो इसको जो है मज़ीद पकाते हैं कि दूध बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं दूध भी अच्छा सा जो है ड्राई हो चुका है, तो बस इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। ये चीनी शामिल कर दी, और चीनी का पानी भी मैं ड्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि चीनी का पानी भी अच्छा सा हो गया है ड्राई, तो बस इसमें मैं शामिल कर दूँगी इलायची का पाउडर, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे खोया। तो ये थोड़ा सा खोया मैं बचा लेती हूँ गार्निशिंग के लिए, ये खोया शामिल कर दिया, और साथ ही हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देते हैं, और इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छा सा मैं पकाती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाऊँ। ये आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार जो है शिमला मिर्च का हलवा बनके तैयार है। इसको अब मैं करती हूँ डिश आउट, और डिश आउट करके आपको इसकी जो है फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार जो है शिमला मिर्च का हलवा बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी ढेरों दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।